नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जो चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा सिरदर्द पैदा कर देगी और साथ ही साथ यूएस के लिए भी उसने सिरदर्द पैदा कर दिया है। दोस्तों, समझ लीजिए कि भारत अब बहुत अलग तरीके से अपना बिजनेस करने वाला है और उसको स्ट्रेटजिकली बहुत ही ज़्यादा यूज करेगा चीज़ों को और अपनी एक धाक जमा लेगा पर्शियन गल्फ़ में। दरअसल दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूरी न्यूज है क्या। दरअसल दोस्तों, भारत ने ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको अभी तक वो डेवलप कर रहा था, अब वो डेवलप हो चुका है और उसके लिए एक एग्रीमेंट भारत ने ईरान के साथ कर लिया है, वो भी 10 सालों के लिए। 10 साल के लिए अब चाबहार पोर्ट हमारा हो गया है, अब उसका ऑपरेशन हम ही देखेंगे, सारी मेंटेनेंस हम ही देखेंगे। और ये सिर्फ 10 साल के लिए ही नहीं है, 10 साल के बाद ये जो एग्रीमेंट है ऑटोमेटिक रिन्यू होता जाएगा हर 10 साल में। तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। अब दोस्तों, तो समझ लीजिए कि चाबहार पोर्ट जो ईरान का है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दोस्तों, क्या है, ओमान और ईरान ये पर्शियन गल्फ में पड़ते हैं। अब इसके पास से ही सारा जितना भी एनर्जी दुनिया को सप्लाई होता है, ये मान लीजिए कि 40% एनर्जी यहीं से सप्लाई होती है। तो उस जगह पे भारत की प्रेजेंस ओमान में भी है और भारत की प्रेजेंस ईरान में भी है, दोनों जगह है। अब ये समझ लीजिए कि जो 40% यहाँ से बिजनेस हो रहा है एनर्जी का, उस पर भारत की एक तो पैनी नज़र होगी। दूसरी चीज़, चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर अपना प्रोजेक्ट चला रहा था, उसने ग्वादर में, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वहाँ अपनी प्रेजेंस बना ली। चाइना सोचिए ग्वादर पहुँच गया, तो अब चाइना हमारे पास बिल्कुल समझ लीजिए सिर पे आके बैठ गया। अब वो हमारे लिए चैलेंज पैदा कर रहा है, हमारे लिए दिक्कत पैदा कर देता पर्शियन गल्फ में। तो दोस्तों, एक तो उसको उस पर हमें एक बेनिफिट मिला, उसको हम काउंटर कर पाए ग्वादर पोर्ट को, क्योंकि चाबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट की जो दूरी है ये मान लीजिए करीब 70-72 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ पर एक हमारी प्रेजेंस हुई, वहाँ से हम चाइना को काउंटर कर पाए। तीसरा इसका फ़ायदा ये रहा कि अब हम जब चाबहार पोर्ट पहुंच गए ईरान में, तो अब इससे हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक रेलवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब सोच लिए कि हम ईरान के रास्ते होते हुए अफ़गानिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे, वहां से सेंट्रल एशिया में जाने के 3 मतलब हमें रास्ते मिलेंगे। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं जिसमें 3 का एक्सेस हमें मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान मिल जाएगा, तजिकिस्तान मिल जाएगा और कजाकिस्तान मिल जाएगा। सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो कजाकिस्तान होगा, बीच में उज्बेकिस्तान और सबसे नीचे के साइड में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। दोस्तों, ये 3 देश हमें सेंट्रल एशिया में मिल जाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, एक तो हमें ये बेनिफिट मिला सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, इसके अलावा अगर हम रसिया भी जाना चाहते हैं, रसिया के साथ भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो ईरान से और ये जो ग्लोबल साउथ कॉरिडोर जो बन रहा है वहाँ तक रसिया अपनी रेलवे लाइन लेकर आ रहा है। अब सोचिए दोस्तों, ये अजरबैजान के साइड से, तो वहाँ से भी हम रसिया के लिए भी अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं। तो भारत के लिए दोस्तों ये विन विन सिचुएशन है, ये भारत को बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि स्ट्रेटजिकली बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अब दोस्तों, ये तो हो गया, अब ये सोचिए कि ये जो सोच होगी चाबहार पोर्ट को पाने की, ये किसकी रही होगी। दरअसल दोस्तों, शायद कम लोग समझते हैं या जो पॉलिटिक्स में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं वो जानते हैं कि सन 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो ये उनका विजन था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझ लिया था कि जिस हिसाब से ईरान है और रशिया है, एक टाइम ऐसा आने वाला है कि ये यूएसए को चैलेंज करेंगे और ये रीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस वक्त रखेगा। अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है कि सोच लीजिए यूएसए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है दोस्तों, लेकिन यूएसए चाहता है कि वो सेंट्रल एशिया में अपनी एंट्री कर पाए, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही जाने की। चाइना ने एंट्री अपनी ले ली है, वो सेंट्रल एशिया में एक मिडिल वे बना रहा है, वहाँ पे वो अपने प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, उसने एंट्री ले ली। ये रसिया के लिए भी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। तो ये तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत ही दूरदर्शी थी जो उनकी सोच, उसका परिणाम है कि 2002 में ये इसके बारे में सोचा गया। हालांकि दोस्तों, इस पे काम होते होते 2015 आ गया, जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद से इन्होंने थोड़ा सोचना शुरू करा और 2015 से इस पे तेज़ी से काम करना शुरू करा।
हालांकि दोस्तों यूएसए ने ईरान के ऊपर ज़बरदस्त सैंक्शन लगा रखे थे, जिसकी वजह से इस पर काम ज़्यादा अच्छी तेज़ी से हो नहीं पाया, ना तो ये और भी जल्दी हो जाता। अब दोस्तों एक समस्या और आ गई। अब ये कल ही ये डील फाइनल हुई है, आज सुबह सुबह यूएसए ने भारत को एक धमकी दे दी। उनके जो स्पोक्स पर्सन है सरकार के, उन्होंने सुबह सुबह भारत को धमकी दी कि अगर ईरान के साथ कोई भी देश अगर कोई बिजनेस डील करता है तो उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत इनके सैंक्शन की कोई परवाह भी करने वाला है। क्यों? इसलिए परवाह नहीं करने वाला क्योंकि इससे पहले भी यूएसए भारत को एक धमकी दे चुका था सैंक्शन लगाने की, जब हम रसिया से ऑयल खरीद रहे थे, कच्चा तेल। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि अगर हम रसिया से कच्चा ऑयल ना ख़रीद रहे होते तो हमें करीब $25 बिलियन की जो हमें बचत हुई है क्रूड ऑयल से, वो ना होती, क्योंकि रसिया ने हमको डिस्काउंट पे कच्चा तेल दिया है। अब यूएस उतना इम्पोर्टेंस रखता नहीं है किसी भी देश के लिए, क्योंकि ये सभी को सैंक्शन लगाने चले जाते हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए तो क्या ईरान बर्बाद हो गया? जी नहीं, ईरान तो न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, वो तो न्यूक्लियर बम बना रहा है। रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, रसिया के बर्बाद हो गया? जी नहीं, वो तो यूक्रेन के साथ लड़ाई कर रहा है, उसके बावजूद उसकी जो इकॉनमी वो ग्रो कर रही है, कहाँ से वो पीछे हट गया। प्लस ये इकोनॉमिक वॉर चाइना के साथ यूएसए कर रहा है आज से कम 7-8 सालों से, चाइना का क्या बिगाड़ लिया? चाइना बल्कि उनको आँख अलग दिखाता है यूएसए को। तो ऐसे ही भारत को भी उतना ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहिए यूएसए को, क्योंकि उनकी कोई इतनी हैसियत है नहीं कि वो कुछ ऐसा कुछ कर पाए। यहाँ तक कि समझ लीजिए इंडो पैसिफिक में अगर यूएसए भी आता है तो उसको भी भारत की मदद चाहिए होती है, वो ऐसे कुछ कर नहीं सकता है। और वैसे भी किसी भी देश को काम वही करना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट में हो, ना कि किसी और के। भारत के इंटरेस्ट में ये है कि वो चाबहार पोर्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, साथ ही साथ वो सेंट्रल एशिया के लिए अपने बिजनेस के रास्ते खोले, ये भारत के इंटरेस्ट में है। हमें यूएसए के दबाव में किसी भी तरीके से नहीं आना चाहिए। दोस्तों अब इस पर कुछ अपडेटेड न्यूज़ आती रहेगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।